फिर आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज़ वेरिएबल अब वेरिएबल क्या होता है देखो वेरिएबल को जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम इस चैप्टर में वेरिएबल जो है वो बहुत बार आगे पढ़ेंगे तो वेरिएबल क्या होता है ये देखना होगा ठीक है सो डिराइव फ्रॉम दी वर्ड वेरी विच मीन्स टू डिफर और चेंज ओके वेरिएबल कौन से वर्ड से जो है डिराइव हुआ है तो वो डिराइव हुआ है फ्रॉम दी वर्ड वेरी और उसका मतलब क्या होता है टू डिफर और चेंज ठीक है एक कोई भी ऐसा नंबर या एक कोई भी ऐसी चीज नंबर आई शुड नॉट से वो होगा एक कोई भी ऐसा आइटम जो कि चेंज होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस ठीक है जो कि मतलब कि एक स्टैटिक नहीं है जो चेंज होता रहता है वो होता है वेरिएबल जैसे कि जो हाइट है स्टूडेंट्स वो क्या है वेरिएबल वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ओके मेरी हाइट कुछ है आपकी हाइट कुछ और है किसी और की हाइट कुछ और है तो ये क्या है ये वेर, ये वेरी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ऐसे आइटम्स या ऐसी चीज है जो कि सिचुएशन uh, जैसे चेंज होते है वैसे, वैसे वैसे वेरी करने लगते हैं जो कि एकदम एग्जैक्टली exactly सेम नहीं रहता है हर एक चीज के लिए वो कहलाए जाते हैं वेरिएबल्स ठीक है सो वेरिएबल रिफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनादर ठीक है वो वेरिएबल क्या है वो क्वांटिटी है, वो एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू वेरी करती है एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे इन्वेस्टिगेशन में ठीक है या फिर हम बोले तो एक इन्वेस्टिगेशन में भी स्टूडेंट्स जैसे कि ये पर्टिकुलर है ओके या आप ले लो एज या आप ले लो वेट क्या है ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है ना तो ऐसी चीजें जो कि डिफर करते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है हर एक चीज में वो होते हैं वेरिएबल्स ठीक है सो द डिफरेंस इन वैल्यू मे बी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल आइटम्स प्लेसेज और टाइम ठीक है ये जो डिफरेंसेज हैं किसी भी मैनर में हो सकते हैं इंडिविजुअल आइटम्स या फिर प्लेसेस या टाइम किसी भी बेसिस पर जो ये डिफरेंसेज uh, हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं ओके okay. इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास में प्राइस इज डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट प्राइस क्या है डिफरेंट कमोडिटीज की बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एजेस होती है ठीक है, है, है थीके? तो ये क्या हो गए ये हो गए कुछ आपके वेरिएबल्स ओके okay? फिर आता है जो हमारे वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड ठीक है दो काइंड के हो सकते हैं एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटीन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल को स्टूडेंट्स आप डिस्कंटीन्यूस वेरिएबल भी कह सकते हो ऐसा क्यों होगा बिकॉज वो कंटिन्यूस नहीं है ठीक है इसलिए उसका नेम वो भी हम बोल देते हैं सो so, दो काइंड के होते हैं एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस इन चीजों को भी समझ लीजिए बिकॉज ये भी आपके फर्दर इस चैप्टर में बहुत यूज होंगे ठीक है सो डिस्क्रीट वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते ठीक है एक इंटीजर होना जरूरी है जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें तो सो वेरिएबल्स वेरिएच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू आर टर्म एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स ठीक है एज ए वेरिएबल्स जो कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ना लेते हो वो सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल अब जैसे कि स्टूडेंट्स एक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाइट एक वेरिएबल है ठीक है तो अगर हाइट को ही देखें हम तो हाइट डिस्क्रीट वेरिएबल होती है क्या नॉट नेसेसरी हाइट आपकी कुछ इस वे में हो सकती है वन सेंटीमीटर्स ये 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 जो जो आया आया फ्रैक्शन से ही आया है ये जो आता है डेसिमल डेसिमल आता स्टूडेंट्स को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है तो ये जो हाइट है क्या ये आ, कोई आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है नहीं हो सकता वेट हो सकता है क्या स्टूडेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल वेट भी नहीं हो सकता वेट मैंने बोल दिया फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव केजीज है तो ये क्या आपका डिस्क्रीट होगा नहीं होगा बिकॉज ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू भी फ्रैक्शनल वैल्यू ही होती है तो अल्टीमेटली वो क्या हो गई वो आपको बता रहा है कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है अब फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू को जो मैंने ये बोला है कि वही हो गई तो उसे थोड़ा सा आई होप सो कि 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 आप लोगों ने समझ गए कि क्या हो गया फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो जो चीज है वो डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं आएगी तो फिर डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या आ गया जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिली ठीक है अब ये बोला जा रहा है कि फाइव फैमिलीज हैं जिनमें जीरो चाइल्ड हैं ठीक है एक भी चाइल्ड नहीं है उनके घर पे सेवन फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें वन चाइल्ड हमें देखने को मिल रहा है ठीक है कि एक चाइल्ड है ट्वेंटी फाइव फैमिली है जिनमें दो चिल्ड्रेन हैं ओके तो ये जो आपका नंबर बता रहा है ये क्या है एग्जैक्ट नंबर है ठीक है ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ये एग्जैक्ट नंबर है अब हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि एक कोई फैमिली है जिसमें वन पॉइंट फाइव चिल्ड्रेन है 1.5 नहीं हो सकते कोई भी बच्चा आधा थोड़ी ना होगा अगर होगा तो पूरा होगा या नहीं होगा है ना तो 1.5 जो है वो इस चीज में नहीं आ सकता है तो ऐसे ही जो चीजें होती है जिनमें आप जो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते हो वो सारी क्या होते हैं वो सारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आते हैं ठीक है कि एकदम एग्जैक्ट एक नंबर ही आपको मिलता है ओके ये क्या है ये है डिसकंटिन्यूस वेरिएबल डिसकंटिन्यूस क्यों है इसे हम समझते हैं जब हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है डिसकंटिन्यूस का मतलब समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं दोज वेरिएबल्स दो कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर एज ड्यूस वेरिएबल्स ठीक है variables values, as well as range, continuous variables, मतलब कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स में वो सारे वेरिएबल्स आएंगे जो कि हर एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो ले सकते हैं वहां पर इंटीजर भी हो सकते हैं वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि ये आपके जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनमें एक्जैक्ट नंबर नहीं होते होंगे उनमें भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं जैसे कि किसी का वेट है फिफ्टी फाइव तो ये तो एग्जैक्ट नंबर है ना और वही मैं बोल रही हूँ किसी का वेट है जो कि क्या है फिफ्टी तो ये क्या है ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई तो कंटिन्यूस वेरिएबल इसे भी इंक्लूड करेगा और इसे भी इंक्लूड करेगा ओके तो कंटिन्यूस वेरिएबल में आपकी इंटीग्रल वैल्यूज भी आती है और आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है वो भी आएंगी इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज एक कोई स्पेसिफाइड रेंज है कि इस रेंज में इतने जो हैं आपके variables है आपके वेरिएबल्स हैं जैसे कि एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को क्लियर होगा देखो हमने लिया है वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब वेट में बोल रही हूँ फोर्टी टू तो ये जो फोर्टी टू फोर्टी है ये क्या है ये एक स्पेसिफाइड रेंज है कि 40 से लेके 45 के बीच में कितने बच्चे हैं जिनका वेट आ रहा होगा तो देआर आर ट्वेंटी टू स्टूडेंट

अगर इस चीज को मैं एज एन डेटा पूरा लिखती एक इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू लिखती तो वो काफी बड़ा हो जाता है ना कि पूरे जो स्टूडेंट्स तो हैं तो मैंने 50 ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिखे मैंने उन्हें क्या कर दिया क्लासिफाई कर दिया कुछ इस फॉर्म में तो ये हो गए क्या हमारा एक जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो बन गया ओके okay? तो आई होप सो स्टूडेंट्स की आप लोगों को जो है कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट्स नहीं होंगे और फर्दर आगे भी कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं ये याद रखना जिसमें ऐसी क्लासेस बन जाती है ना जिसमें ऐसी एक रेंज बन जाती है वो होते हैं आपके कंटीन्यूस वेरिएबल्स और वहीं जो हमने डिस्क्रीट वेरिएबल देखा उसमें यहां पर भी जो है इंडिविजुअल वैल्यूज ही लिखी हुई थी तो जब ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज ही आती है तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाता है ओके तो आए होप्स हो so, कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है